वेलकम बैक स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिक फीचर्स ऑफ फाइलम पॉरिफिरा। मींस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फाइलम पॉरिफिरा में एटलीस्ट हमें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद होने चाहिए आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है नीट में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके हवाले से फाइलम पॉफिरा फाइलम पॉफिरा पॉफिरा के इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए फाइलम पॉफिरा के मेम्बर्स के ऊपर पोर्स ऑल ओवर द बॉडी फर्स्ट पॉइंट इज द पोर्स ऑल ओवर द बॉडी यानी जो भी फाइलम पॉरिफिरा के मेंबर्स हैं इनकी पूरी बॉडी के ऊपर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पोर्स को हम डर्मल ऑस्टिया भी कहते हैं डर्मल ऑस्टिया भी उनको कहा जाता है दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ज द सेलुलर लेवल एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कैनॉल सिस्टम इनमें क्या होता है कैनॉल सिस्टम होता है जो इनकी कैविटी है उस कैटी में उस मेमब्रेन के थ्रू जो नेटवर्क बना हुआ है वो कैनॉल सिस्टम से बना हुआ है इसमें तीन तरह का कैनॉल सिस्टम होता है एस्कोनाइड साइकोनाइड एंड ल्यूकोनाइड एस्कोनाइड साइकोनाइड साइकोनाइड एंड ल्यूकोनाइड ल्यूकोनाइड तीन तरह का कैनॉल सिस्टम इनमें पाया जाता है फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर क्या है दे लैक माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी, माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी इज लैकिंग डाइजेस्टिव कैविटी जो है इनमें लैकिंग यानी इनमें माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी मौजूद नहीं है और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें होते हैं साइट सेल्स कोनोसाइट सेल हमने स्टडी किया है वीडियोस के अंदर इस तरह का सेल होता है साइट सेल इस फाइलम का यूनिक फीचर इंपॉर्टेंट कैरेक्ट्रिस्टिक फीचर ये है कि इसकी जो स्पोजशील कैविटी होती है मान लीजिए ये एक स्पोज है उसकी कैविटी की जो इनर लाइनिंग है इस इनर लाइनिंग पे ये वाले सेल्स होते हैं इन सेल्स को क्या कहते हैं कॉनोसाइट सेल्स इन कॉनोसाइट सेल्स से जो मेम्ब्रेन बनती है उसको कोनोडर्म कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट उनकी जो बॉडी होती है उनमें होते हैं फाइबर लाइक -like स्ट्रक्चर्स, उसको स्पोजिन फाइबर्स कहा जाता है स्पोजिन फाइबर्स ये स्पॉन्ज इन फाइबर्स या तो कैल्कीरियस होते हैं या सिलिकेशियस होते हैं यानी या इनके अंदर सिलिकॉन से बना हुआ है या कैल्शियम से बना हुआ है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यू स्पॉन्जिया यू स्पॉन्जिया यू स्पोंजिया को कॉमनली बाथ स्पॉन्ज कहते हैं यह भी किसी एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि जिया जो है वट इज द कॉमन नेम ऑफ या ऐसे आएगा बाथ स्पॉन्ज इज नॉन वहां पे सायकान होगा यू स्पॉन्ज होगा लिया होगा तो ऑप्शन एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो यू यूसपौजिया है बाथ स्पौज ये बहुत सारी चीजों की बाथिंग में मदद करता है लाइक हम ऑटोमोबाइल्स को वॉश करने में हेल्प करते हैं वुड, विंडो पैंस को वॉश करने में हेल्प करता है इसके अलावा <coughs> एक और है एक और पॉइंट दैट इज यू पैक्टीरिया यू पैक्टीरिया जो है इसको वेनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है इट इज कॉमनली नोन एज वेनस फ्लावर बास्केट दिस आर द सम इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ द फाइलम फॉरिफिरा स्टेट वॉच एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो थैंक्स